नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुर। इस टॉपिक के अंतर्गत राजस्थान के त्योहारों में हम बात करेंगे राजस्थान के त्योहारों की, जो कि प्रमुख रूप से तीन धर्मों के त्योहार है, हिंदुओं के, ईसाइयों के और मुसलमानों के। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुओं के त्योहारों की। इनसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक बार एक अंग्रेज भारत घूमने आया तो इसने एक राजस्थान के लड़के से पूछ लिया, बोले यार तुम्हारे यहाँ कितने त्योहार हैं? तो लड़के ने कहा जी हमारे यहाँ रोज ही त्योहार है। तो उसने कहा, बोले रोज त्योहार, हाउ कैन दिस पॉसिबल? तो लड़के ने कहा, बोले गिनो, गुड़ी पड़वा, भाई दूज, आखा तीज, गणेश चौथ, नाग पंचमी, ऊब छठ, शीतला सप्तमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, तेजादशमी, झूला ग्यारस, बच बारस, रूप तेरस, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और अमावस्या की, दिवाली, पूर्णिमा की, होली। यानी लगभग लगभग अपन बात करें तो अपने हिंदुओं के जो त्यौहार हैं वो 70 से 75 त्यौहार हैं। अब उनमें से मेन त्यौहारों का हम पढ़ेंगे। त्यौहारों को समझने से पहले सबसे पहले समझने की चीज़ है कैलेंडर। सभी का अपना अपना कैलेंडर होता है। जैसे अपने जो कैलेंडर है, तीन कैलेंडर मुख्य रूप से हैं। ईसाइयों का है ग्रेगेरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी, और इस्लाम में हिजरी संवत। तीन कैलेंडर जो मुख्य रूप से है वो तीन कैलेंडर है, शक संवत, जिसका प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म से 78 वर्ष बाद। आप यो समझिए जो ग्रेगेरियन कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुआ है, इस जगह ईसा मसीह का जन्म हो गया। उसके बाद ये आगे की तिथियां आ गई और ये पीछे के वर्ष आगे, यानी ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लिखेंगे ईसवी सन, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को हम लिखेंगे ईसा पूर्व। इधर का जो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सन है वो उल्टे चलेंगे, यानी कोई भी घटनाक्रम हुआ वो कब हुआ था, 5 को हुआ और 2 को खत्म हुआ, और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम चलेंगे कि 1 को घटना प्रारंभ हुई और 3 को खत्म हुई। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी सन और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व। तो शक संवत प्रारंभ हुआ ईसवी सन में, ईसवी सन यानी ईसा मसीह के जन्म से 78 वर्ष बाद, किसके काल में, कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के काल में। विक्रम संवत ये प्रारंभ हुआ 57 वर्ष पहले, उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, उनके काल में, ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले, यानी 57 ईसा पूर्व। और गुप्त संवत, एक संवत गुप्त संवत जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, और ये चलाया था 319 ईस्वी, यानी ईसा मसीह के जन्म से 319 वर्ष बाद। मुख्य रूप से अपने तीन कैलेंडर हैं। शक संवत है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, और अपने त्योहार सारे आएंगे विक्रम संवत के आधार पर। अंतर केवल इतना सा है इनमें, बाकी कोई अंतर नहीं है। महीने वो कि वो 12 महीने रहेंगे, चाहे आप इस्लामी कैलेंडर ले लो, हिंदू कैलेंडर ले लो या ईसाई कैलेंडर ले लो, सब में महीने 12 हैं। अब अपने महीनों की बात करें, महीने आते हैं अपने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मोस, पौष, माघ, फाल्गुन। इनको सीधा देसी तरीके से याद करना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादु, आशोच, कार्तिक, मंगसर, पौष, माघ, फागण। सीधा अगर ऐसे याद करोगे तो याद हो नहीं पाएंगे, अपने देसी गांव वाली भाषा में याद कर लेना। अब महीने जो होते हैं वो महीने 30 दिन के होते हैं, एवरेज 30 दिन माना गया है। हो सकता है कभी कोई तिथि बढ़ जाए, महीना 31 दिन का हो जाए, कोई तिथि घट जाए, महीना 29 दिन का हो जाए, लेकिन एवरेज जो तिथि है वो है, एवरेज जो दिन है वो है 30। 30 दिनों में महीने अपने जो डिवाइड है वो दो पक्षों में डिवाइड है, पक्ष दो पक्षों में डिवाइड है महीना। एक तो आता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण, और एक आता है शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में कृष्ण को बदी भी कहते हैं और शुक्ल को सुदी भी कहते हैं, बदी सुदी, या कह दो अंधेरी या चांदनी। राजस्थानी भाषा में इसको चांदना पखवाड़ा बोला जाता है, इसको अंधेरा पखवाड़ा बोला जाता है। इसमें भी 15 दिन होते हैं, इसमें भी 15 दिन होते हैं, यानी एकम से लेकर चतुर्दशी तक तिथि चलेगी,
चतुर्दशी के बाद जो 15वां दिन आएगा कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कहलाएगा अमावस्या। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन यानी महीने का मध्य का दिन, बीच का दिन कहलाएगा अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन कहलाएगा पूर्णिमा। पूर्णिमा को महीना 12 महीने हैं, 12 महीने में से सबसे पहले हम लेते हैं चैत्र महीने। चैत्र महीने में जो पहला त्योहार आता है यानी पहली तिथि आती है, चैत्र महीना प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण एकम से। और चैत्र से पहले यानी साल का अंतिम महीना कौन सा आता है? फाल्गुन महीना। अंतिम महीना फाल्गुन आता है, और फाल्गुन पूर्णिमा को यानी फाल्गुन के अंतिम दिन जो त्योहार मनाया जाता है होली। होली त्योहार के जस्ट बाद में यानी होली के अगले दिन, यानी होली आ गई फाल्गुन में, होली के अगले दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है धुलंडी। अब धुलंडी कब मनाई जाएगी? चैत्र कृष्ण एकम, इस दिन मनाई जाएगी धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम होली के एक दिन बाद इस दिन हम क्या मनाएंगे? धुलंडी। धुलंडी मनाएंगे चैत्र कृष्ण एकम को। इस दिन की बताऊं लठ मार होली, एक होली खेली जाती है लठ मार होली, लठ मार होली, और ये प्रसिद्ध है करौली। एक होली खेली जाती है पत्थर मार होली, पत्थर मार होली, और ये प्रसिद्ध है बाड़मेर। दो ही खास बातें इस दिन, धुलंडी मनाई जाएगी, लठ मार होली करौली, पत्थर मार होली बाड़मेर। अब सीधा आ जाओ कृष्ण पक्ष में ही, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इस दिन से गणगौर पूजन भी प्रारंभ हो जाएगा, गणगौर पूजन, गणगौर पूजन प्रारंभ हो जाएगा धुलंडी से। चैत्र कृष्ण अष्टमी इस दिन मनाते हैं बाशोड़ा, बाशोड़ा या कह दो शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। कब मनाएंगे? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बाशोड़ा मतलब इस दिन हम ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है बाशोड़ा। शीतला अष्टमी, शीतला माता की पूजा की जाती है। ये कृष्ण पक्ष के मेन त्योहार है। उसके बाद आ जाओ शुक्ल पक्ष में, चैत्र शुक्ल एकम, और इस दिन प्रारंभ होता है हिंदू नव वर्ष। चैत्र शुक्ल एकम इस दिन प्रारंभ होता है हिंदू नव वर्ष। यहां पर ध्यान ये देना है, नव वर्ष अपना प्रारंभ हो गया इसी दिन से, लेकिन क्योंकि ये काला पक्ष है और अपने काले पक्ष को अशुभ माना गया है, इसलिए अपन नव वर्ष कब मनाएंगे? शुक्ल पक्ष में। तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है हिंदू नव वर्ष, और इसी दिन प्रारंभ होते हैं नवरात्र। नवरात्र साल में चार आते हैं, दो गुप्त आते हैं। ये दो मेन नवरात्र आते हैं, एक चैत्र में एक आश्विन में। ये जो नवरात्र हैं ये बसंतीय नवरात्र हैं, और जो आश्विन में आते हैं वो शारदीय नवरात्र हैं। बसंतीय या छोटे नवरात्र, बसंतीय या छोटे नवरात्र। चैत्र शुक्ल एकम नववर्ष, नवरात्र प्रारंभ। फिर आ जाओ चैत्र शुक्ल द्वितीय, चैत्र शुक्ल द्वितीय, इस दिन मनाया जाता है सिंजारा, इस दिन मनाया जाता है सिंजारा। और फिर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन मनाई जाती है गणगौर। पूजन का प्रारंभ हुआ धुलंडी, 15 और ये 3 दिन, 18 दिन हो गए। इस दिन मनाई जाती है गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार
गणगौर। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की सवारी, जयपुर की प्रसिद्ध। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसभा, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है राज समान। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है और जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। इस बार तो कोरोना की वजह से निकल नहीं पाई, जयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। एक गणगौर और है, बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर, और ये प्रसिद्ध है जैसलमेर, जैसलमेर। बिना ईसर की गणगौर इस दिन नहीं मनाई जाती है, इसके जस्ट अगले दिन यानी चैत्र शुक्ल चौथ को मनाई जाती है बिना ईसर की गणगौर। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गणगौर की जब सवारी निकल रही थी और बीकानेर ने आक्रमण कर दिया जैसलमेर, आक्रमण करके उस सवारी में से ईसर को ले गए, ईसर यानी शंकर भगवान को, और तब से जैसलमेर में अगले दिन चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है बिना ईसर की गणगौर, क्योंकि ईसर तो ले गए बीकानेर वाले। उसके बाद आती है चैत्र शुक्ल नवमी, और इस दिन त्योहार आता है राम नवमी। रामनवमी, रामनवमी के दिन जन्म हुआ था राम जी का जन्म, राम जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी। राम जी का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। किस नदी के किनारे हुआ? सरयू। यानी इस दिन सरयू नदी में नहाना पवित्र माना गया है। कब माना गया है? रामनवमी को किस नदी में नहाना पवित्र माना गया है? सरयू नदी में नहाना। पवित्र माना गया है रामनवमी को। और फिर आता है चैत्र का अंतिम दिन चैत्र पूर्णिमा, और इस दिन आता है हनुमान जन्मदिन, हनुमान जन्मोत्सव। ध्यान रखना, हनुमान जयंती नहीं है, जयंती उनकी मनाई जाती है जो मर चुके हैं। इस दिन मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। ये